दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर एक लंबे समय के बाद खुशियों ने दस्तक दी। मूसेवाला की मां चरण कौर ने 17 मार्च को छोटे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने और उनके पति बलकौर सिंह ने फैंस को इस बात की खुशखबरी दी कि उनका बेटा उनके पास वापस आ गया है। हालांकि ये खुशियां उनके परिवार में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। दरअसल मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर उनकी खुशियों में विघ्न डालने का आरोप लगाया है। मंगलवार को बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद से प्रशासन की ओर से मुझे परेशान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं ये साबित करूं कि मेरा बच्चा लीगल है। मुझ पर बच्चे की लीगल पेपर्स दिखाने का दबाव बनाया जा रहा है। समूह पंजाबियों प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल। अज तुहाडे सामने होने का मेरा एक ही कारण है। जिवें तुहानू सारयां नू पता है भी दो दिन पहला, परंतु अज सवेर तो मन बड़ा परेशान सी। सोचा तुहानू भी सारी इस गलबात का पता होना चाहिए कि प्रशासन सवेर तो मैनू परेशान कर रहा इस गल लई भी तुसी अपने इस बच्चे दे सानू डाकूमेंट पेश करो। इस बच्चे नू लीगल साबित करन लई मैनू तरह तरह के सवाल पूछे जा सके। अपने इस वीडियो में मूसेवाला के पिता ने सीएम मान से गुजारिश की कि वो अपने सलाहकारों की बातों में न आए। बलकौर सिंह ने भगवंत मान सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, मैं सरकार से खासकर सीएम साहब से विनती करना चाहता हूं कि आप थोड़ा तरस खाओ, कम से कम ट्रीटमेंट तो पूरा होने दो। मैं यही रहता हूँ, यही रहूंगा। आप जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। कृपा करके ट्रीटमेंट तो पूरा होने दीजिए। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं, जान भी दे सकता हूँ। मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर जगह कानून का पालन किया है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं तो आप FIR दर्ज कराएं, मुझे जेल भेज दें और जांच करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सारे लीगल दस्तावेज दिखाकर फिर भी बरी निकलूंगा। मूसेवाला के पिता के इस वीडियो के बाद फैंस में सरकार के प्रति रोष देखने के लिए मिल रहा है। इस वीडियो पर कॉमेंट करते हुए मूसेवाला के फैंस सरकार पर भड़क गए। कई यूजर्स ने पंजाब सरकार पर कमेंट करते हुए लिखा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। वहीं कई यूजर्स ने बलकौर सिंह का ढांढस बंधवाया और उन्हें अपना समर्थन दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रशासन की ओर से बलकौर सिंह को बच्चे के लीगल पेपर्स दिखाने के बारे में क्यों कहा जा रहा है। बता दें, बच्चे को डिलीवरी करने वाली गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है कि मूसेवाला की माँ और पिता ने IVF का सहारा लिया है। आइए आपको इसके बारे में थोड़ी लीगल जानकारी देते हैं। ARTयानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के अनुसार IVF तकनीक के इस्तेमाल के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जो कि महिलाओं के लिए 50 वर्ष है और पुरुषों के लिए 55 वर्ष। यानी 21 से 50 वर्ष की महिलाएं और 21 से 55 वर्ष के पुरुष ही IVF का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मूसेवाला की माँ की उम्र 58 साल है, वहीं पिता की उम्र 60 साल। यानी इस हिसाब से दोनों की ही उम्र सीमा से ज्यादा है। ऐसे में दोनों की ओर से इस नियम का उल्लंघन किया गया है। अब चूंकि सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा कर ही चुके हैं, आप हमें बताइए कि सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम सही है या नहीं।